ना डायरेक्ट मत लेना, नशे हो जाने। भाई अच्छा देखो हम क्या करने वाले हैं बच्चा, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमारे पास एक सिंपल, बहुत सिंपल सी चीजों के साथ, हमारे पास क्या है, ये बीकर है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, नमक। मैं एक साथ साथ के साथ ना मैं इसको कैमरा पे दिखाता चलता हूँ बच्चे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल बीकर के अंदर मैंने बहुत, मतलब जितना जरूरत थी उतना सा नमक डाला हुआ है। ज्यादा डाल लोगे कम डाल लोगे तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने थोड़ा बहुत डाला है, ठीक। इसके अंदर अब मैं करने क्या वाला हूँ, ये हमने कुछ जुगाड़ किया हुआ है अभी। इस जुगाड़ के अंदर क्या किया हुआ, दो अपना कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स ली, उनके अंदर यहाँ से खड्डा करके इस जगह से, और यहाँ हमने इलेक्ट्रोड्स लटकाए हुए। इलेक्ट्रोड्स कहाँ है, नॉर्मल सेल होता है जो हमारा, उसको अगर कभी खोल के देखोगे तो अंदर ये ग्रेफाइट रॉड्स होती हैं। ये जो है ये कार्बन रॉड्स हैं, ग्रेफाइट रॉड्स हैं। अगर मैं हाथ पे देखो इसको रब कर रहा हूँ तो वो ब्लैकिश सा हो जाएगा उंगली, है ना, वो क्योंकि ग्रेफाइट क्या होता है, लेयर्स में उतर रहा होता है, तो वो ब्लैकिश कलर का उतर रहा है। सेम वही पेंसिल के सिक्के वाला काम। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पानी डालूंगा और इसको यहाँ पे डाल दूंगा इसके अंदर, और साथ में मैं क्या करूंगा, इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है, एक नॉर्मल डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा। हम अडेप्टर लगा लेंगे, अडेप्टर का काम क्या होगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके, और उनको इस वायर्स के साथ, इन ऊपर वाले वायर्स के साथ, इनके साथ हम जोड़ देंगे। क्लियर है, ये पता चल रहा है करना क्या, चलो करके देख लेंगे। तो बच्चे अब क्या कर रहा हूं मैं, नॉर्मल वाटर है, टैप वाटर है, उसको डाल देते हैं इसमें। ये नॉर्मल टैप वाटर है और इसको थोड़ा सा स्टिर कर देते, घुमा देते, वो अंदर से घुल जाएगा जो नमक है, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा, नमक वाला पानी, नॉर्मल जो सोडियम क्लोराइड है जो डेली नमक खाते हैं उसी को मैंने बस पानी में घोल दिया। अब क्या करेंगे, ये जो मेरे पास सेटअप बनाया हुआ है इसके अंदर कुछ ज्यादा और तो तगड़ा काम नहीं है, नॉर्मल वायर्स हैं, उनको मैंने केबल के साथ कनेक्ट किया, और वो एक अडेप्टर लगा हुआ है, वो अडेप्टर का क्या काम है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, और कुछ अलग नहीं। अगर नॉर्मल बैटरी लगाना चाहते हो तो सिंपल डायरेक्ट बैटरी के वायर के साथ भी कनेक्ट कर सकते थे इसमें। अब पहली बात तो एक चीज बताता हूँ, मैंने ये दो बॉटल्स क्यों लगाई हैं, दो बॉटल्स इसलिए लगाई हैं क्योंकि देखो इनमें ना, इन दो इलेक्ट्रोड्स में से कोई एक होगा जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक होगा नेगेटिव टर्मिनल होगा। जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो अंदर जब मैंने नमक घोला है तो सोडियम क्लोराइड घुल गया, सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट करेगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो Cl नेगेटिव वाला क्या कहां जाएगा, जहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, और वहां Cl Cl मिलके Cl2 गैस की फॉर्म में लिबरेट करेगा, और सोडियम वाला जाकर कहां जमेगा, जहां पे कैथोड होगा, कैटाइन आएगा कैथोड पे, एनाइन आएगा एनोड पे। तो ये कैथोड और एनोड पे मैंने उनको डिफरेंशिएट करने के लिए कि जो गैसेस निकलेंगी या जो चीजें डिपॉजिट होंगी वो अलग अलग साइड रहे, इसलिए दो कैबिनेट बनाए हैं एक तरह से, समझ में आया। अब मैं इसको इसमें डाल देता हूँ, अभी देखते हैं रिएक्शन शुरू होगा कि नहीं। हमारे पास केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, अगर जो तुम ध्यान से देखोगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स इसको दिख रहे हैं, बबल्स फॉर्मेशन, थोड़े थोड़े बबल्स आने शुरू हो गए हैं। वो बबल्स किस बात के आ रहे हैं हमारे पास, अगर मैं इसको उल्टा करके तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ, रुको, ये देखो दिख रहे हैं, ये बबल्स दिख रहे हैं इसके ऊपर आते हुए। तो ये जो हमारे पास यहाँ बबल्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पर गैसेस डिपॉजिट होनी शुरू हो गई है। किसी एक में से अब हाइड्रोजन, मतलब अपने पास किसी एक में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अब हाइड्रोजन गैस किस वजह से होगी, वाटर है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटेगा, तो H पॉजिटिव आपस में मिलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रोड पे से, और H2 की फॉर्म में लिबरेट होना शुरू हो जाएंगे, और एक में से निकलेगा हमारे पास जो क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही होगी। क्लियर है बच्चे, तो ये हमारे पास अब गैस मिला, स्विच ऑन किया तो सेम वही जो हम अंदर प्रोसेस कर रहे थे बस बाहर आ गए हैं कि वो स्मेल अंदर अंदर ना फैले। इसमें से अब किसी एक में से क्लोरीन गैस, क्लोज ला के दिखा बच्चा, ये देखो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है क्योंकि मैंने इस टाइम पे अडेप्टर भी बड़े वाला लगा दिया, तो यहाँ तुम नज़दीक आके देख सकते हो, ये बहुत फास्ट यहाँ पे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, दिख रहे है? बहुत तेज़ हो रहे हैं। और इसके अंदर अगर कोई स्मेल करके देखना चाहे तो इसके अंदर से स्मेल करके देखो, एक में से क्लोरीन की स्मेल और एक में से हाइड्रोजन वाली, मतलब क्लोरीन की स्मेल टोटली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आगे करके देखो, ट्राई करो भाई साहब, देखो एक बार, अरे कुछ नहीं होगा, स्मेल दूर से बस ऐसे करके, ना डायरेक्ट मत लेना, नशे हो जाने हो रही है। कैसी आ रही है, आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगी, वो क्लोरीन है, ठीक है। अब क्लोरीन अगर इसमें है तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा होगा, हाइड्रोजन आ रही होगी। देखो
क्लोरीन अगर कोई और फिर से सुनो बच्चे, कोई और बच्चा अगर क्लोरीन ट्राई करना चाहता है, क्लोरीन के नशे करना चाहता है तो आ जाओ कर लो। मेरा मेन प्रोसेस है हाइड्रोजन इकट्ठा करना, हाइड्रोजन उसमें इकट्ठी, कोई और आके ट्राई करो, देखो आ जाओ एक बार स्मेल करके बताओ किसके अंदर से कैसी स्मेल आ रही है। हाँ जी, किसी को क्लोरीन की स्मेल पता है कहाँ कहाँ सूंघी है? लास्ट टाइम भी सूंघी थी। चलो, और हमने कब करी हुई है क्लोरीन? हमने जिस टाइम पे स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहाँ क्लोरीनेटेड वाटर ही होता है, उसके अंदर से भी अजीब सी स्मेल आ रही होती है। हम एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसे मैं बंद कर देता हूँ ऊपर से, ताकि ये थोड़ा बहुत इसके अंदर गैस इकट्ठी हो जाए। नहीं निकलेगी, हमने थोड़ा मतलब देखो थोड़ी बहुत तो निकलेगी, पूरे तरीके से क्लोज सिस्टम नहीं है, बट मेजॉरिटी ऑफ मतलब हमारी कोशिश थी कि भाई ना निकल पाए। ये जो है जिसके ऊपर मैंने ये रखा हुआ है, इरेजर रखी हुई है, उसके अंदर क्या है हमारे पास? हाइड्रोजन गैस हो रही है और इसके अंदर हमारे पास क्लोरीन आ रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल थी इससे। अब दोनों के ऊपर मैंने बंद कर दिया, उससे क्या हो रहा था कि इसके अंदर अब हमारी हाइड्रोजन इकट्ठी हो रही होगी, यहाँ से क्लोरीन कॉन्टिन्यूसली लिबरेट हो रही है। अब मैं अगर तुम्हें कहूँ कि अगर हमें आतंकवादी हरकत करनी है तो हम क्या कर सकते हैं? बम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसके अंदर से जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जिसको मैंने इकट्ठा होने दिया अंदर थोड़ा बहुत, मैं उसके पास अगर माचिस लेके आऊँगा तो पॉप साउंड होना चाहिए, और पॉप साउंड का मतलब ब्लास्ट होना चाहिए छोटा मोटा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा, छोटे मोटे आतंकवादी। तो अब कोई करना चाहता है तो एक काम करो, माचिस लेके आओ, जिगरा दिखाओ और हरकतें करो। लेके आते हैं। अब इसको करें कैसे? पास से लाके? बैग से निकाल ले। नहीं वो तो ठीक है, बैग से तो निकालिए। अब मैं इसको जलाऊं कैसे? मैं माचिस इतनी पास लाऊंगा तो मेरे हाथ पे छींटे लगेंगे, उसका क्या? एक लंबी सी डंडी है, कैंडल है अपने पास कहीं? रुको मैं देखता हूँ क्या करने वाले हैं। थोड़ी सी गलत कोशिश करेंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन, हाँ हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो चुकी है। ये हम क्या करने वाले हैं बच्चे, ऊपर रखना। देखो हम क्या करने वाले हैं, अब मेरे हिसाब से जो हमने स्मेल करा था उसके हिसाब से इसके अंदर से क्लोरीन निकल रहा है, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन गैस के पास अगर बर्निंग कैंडल लाएंगे तो पॉप साउंड होना चाहिए। पॉप साउंड तब होता है जब हम उसको किसी बलून की फॉर्म में लेके आ रहे होते हैं, मतलब कोई सोप बबल्स के पास। अब हम सोप बबल्स तो नहीं ला रहे, हम ला रहे हैं डायरेक्ट फायर इसके पास लेके आएंगे। आओ बच्चे देखो, करो एक बारी उस साइड। हाँ भाई मुबारक हो, ये था छोटा सा ब्लास्ट। इसमें क्या हुआ अब? बस बहुत है तो माता जी, अब सुनो एक बारी। चलो अच्छा, आप मेरी बात सुनो एक बार। अभी जो हुआ है कंपैरेटिवली बहुत कम हुआ है, हमने पिछले बार इससे बहुत ज्यादा बड़ा किया था, अंदर छत तक गया था। अब देखो एक और चीज समझाता हूँ, यहाँ देखो इधर लेके आ बच्चे, ये जो टेबल के ऊपर गिरा हुआ है ये पता क्या है? अब यहाँ क्या होना चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि NaCl इसके अंदर डाला था, सोडियम क्लोराइड हमने डाला था, बच्चे ध्यान दो, सोडियम क्लोराइड इसके अंदर डाला था, अंदर से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव डिसोसिएट हुआ, वाटर का डिसोसिएट हुआ, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव से मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर घुल के रह गया, H निकला था, H2 की फॉर्म में गैस निकली हाइड्रोजन गैस, Cl बचा था, जो थोड़ा बहुत Cl में इकट्ठा होता गया वो क्या बनता गया? अपना क्लोरीन गैस बन के निकलता गया। तो जो अंदर वाटर में डिजॉल्व है इस टाइम पे सबसे मैक्सिमम, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें कैसे पता चलेगा अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बेसिक इन नेचर। अब बेसिक इन नेचर है तो हमारे पास एक चीज़ होती है जिससे हम उसे देख सकते हैं, वो क्या होता है? इंडिकेटर। मैं एक मिनट इंडिकेटर लेके आता हूँ, ये मेरे पास है ये क्या है? pH स्केल होता है इसके अंदर। pH क्या होता है बच्चे? एक pH वैल्यू होती है ना एसिड और बेस की। एसिड क्या होता है? लेस देन 7। जितना नीचे की तरफ जाते जाओगे छोटा नंबर आता जाएगा पीएच वैल्यू का, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड। और जितना पॉजिटिव में मतलब 7 के आगे प्लस में जाते जाओगे 7, 8, 9, 10 उतना ज़्यादा 14 तक जाते जाते क्या होगा? वो बेसिक इन नेचर। ये मैं कहाँ से लाया हूँ? ये यहाँ पे हमारे पास मतलब जो RO वाले भाई साहब हैं उनके पास था ये, वो वाटर का एसिडिक और बेसिक लेवल नापने के लिए करते हैं। ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर इसके अंदर दिख रहे हैं कलर स्ट्रिप्स बने हुए बच्चा, ये कलर स्ट्रिप्स बेसिकली क्या लिख रहे हैं? साथ साथ में ये देखो इसके ऊपर पीएच लिखा हुआ है, हर किसी के ऊपर पीएच वैल्यू लिखी हुई है, मतलब हर एक पीएच के लिए स्पेसिफिक कलर है। 7 पे हमारे पास क्या होता है? ग्रीन कलर, इसका मतलब न्यूट्रल टैप वाटर है, 7 होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने क्या बोला, इसके अंदर हमने क्या कर दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाना चाहिए ये,
ठीक है ना। अब हम देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए कि नहीं, इसके अंदर ये कलर डाल के देखेंगे और देखेंगे क्या कलर हमें मिलने वाला है। एक मिनट लाऊं पूरे पानी, इसको ना खराब करके थोड़ा सा लेते हैं इसके अंदर, दूसरे बीकर के अंदर डालते हैं और उसके अंदर ट्राई करेंगे। डाल देखो, ठीक है ये देखो भाई, फिलहाल ट्रांसपेरेंट है। अगर ये बेसिक होगा तो अंदर से कलर देखो, ये देखो ध्यान से, ये ऊपर से दिख रहा है कैसा कलर है, ऑरेंज टाइप का कुछ दिख रहा है और अंदर ड्रॉप गिरते ही देखो वो ग्रीनिश और ब्लूइश कुछ आ रहा है, वो देखो पर्पल है ना। ये देखो बिल्कुल पर्पल कलर का बन गया, ये दिख रहा है। और पर्पल का मतलब कितना हुआ, इसका पीएच कितना हो गया 10, मतलब ये मैक्सिमम बेसिक करेक्टर प्रोसेस कर चुका है, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। जितना ज़्यादा पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आता जाएगा। मैक्सिमम हमारे पास कहाँ तक जा सकता है, 14 तक, लेकिन अपने हिसाब से इसके अंदर जो हमारे पास इंडिकेटर है मैक्सिमम जो वैल्यू थी इसके अंदर वो 10 पे आ सकता है। एल्कलाइन वाटर को दिखा रहा है, एल्कलाइन का मतलब क्या होता है कि ये बेसिक हो चुका है। तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की कन्फर्मेशन हो गई है, हाइड्रोजन की कन्फर्मेशन हो गई है, स्मेल की वजह से हमें क्लोरीन पता चल गया। ये इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आया बच्चे सबको, डन है? चलो भाई बहुत बढ़िया।